एंड वेरी बिग वेलकम टू एस पी एस स्टडी पॉइंट। आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस पी एस स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की एक क्लास है बी एस सी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे जूलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न पर। यह क्लास एनईपी के अंतर्गत है, यानी कि जो नई शिक्षा नीति लागू हुई थी इसके अकॉर्डिंग आल विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम सेम कर दिया गया है। तो आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हो दोस्तों, अगर आपकी परीक्षा ओएमआर पाठ्यक्रम पर होनी है, ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में अगर आएंगे, तो यह वीडियो आपके लिए खासकर महत्वपूर्ण होगी। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं और आपका सेमेस्टर फर्स्ट है तो आपको पेपर पैटर्न के बारे में बहुत कन्फ्यूजन होती है दोस्तों, आपको जल्द ही पता चल जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटी का निर्धारित है, जैसे कि डीडी यूनिवर्सिटी, दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में रीजनल प्रकार के होते हैं। राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, कानपुर विश्वविद्यालय, वीर बहादुर पूर्वांचल, यहाँ पर दोस्तों अगर आप वीर बहादुर पूर्वांचल के या फिर कानपुर विश्वविद्यालय, आगरा यूनिवर्सिटी, माँ सुकाम्बरा यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हैं तो आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पर निर्धारित है इस बार ऑब्जेक्टिव पैटर्न के आधार पर ही पेपर कराया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि सेमेस्टर फर्स्ट में जो पेपर टाइटल है वो क्या है। सब्जेक्ट देखो दोस्तों, जो आपका पेपर टाइटल है फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का, वह है साइटोलॉजी जेनेटिक एंड इन्फेक्टस डिसीजेस। ये आपका पेपर टाइटल है, यही आप देख लीजिए, आप देख लिया करिए, तभी आपको कंफर्म होगा कि ये नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग है या नहीं है। आज पहली क्लास है तो इसलिए मैं बहुत ही विस्तारपूर्वक आप सबको बताते चलूँगा एक एक चीज़, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन आपको ना हो किसी भी प्रकार का। ओके, तो आप इतनी चीज़ें समझ चुके हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज किस क्लास का शुभारम्भ करते हैं। आज दोस्तों जूलॉजी में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है, यानी यूनिट नंबर फर्स्ट का नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स फर्स्ट, यानी कोशिकांगों की संरचना तथा कार्य। ये आपके पाठ्यक्रम यानी कि आपके चैप्टर फर्स्ट का नाम है, ठीक है। इसमें आप पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और सेल थ्योरी के बारे में, सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहेंगे। पहला प्रश्न आपका है कि द टर्म ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज गिवन बाई, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली का जो नाम है वो किसके द्वारा दिया गया है। यहाँ पर खोज नहीं पूछा गया है, पहले समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है कि प्लाज्मा झिल्ली का नाम किसने दिया था। तो दोस्तों द टर्म ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज गिवन बाई निगली, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली के जो प्लाज्मा झिल्ली का जो नाम है वो किसने दिया था, नेगली तथा क्रामर ने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्लाज्मा झिल्ली का खोज यानी प्लाज्मा झिल्ली की खोज कब की गई थी, तो प्लाज्मा झिल्ली की खोज जो की गई थी वो 1838 में स्वान के द्वारा की गई थी। स्वान एक जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने कोशिका का खोज किया था, कब किया था, प्लाज्मा झिल्ली की खोज की थी, कब की थी, 1838 ईस्वी में प्लाज्मा झिल्ली की खोज की थी। बाद में इसे नेगली तथा क्रामर ने 1855 में नेगली तथा क्रामर ने इसे झिल्ली के रूप में नामित किया था, ठीक है। नामित किसने किया था, तो नामित किया था नेगली तथा क्रामर ने 1855 में, लेकिन खोज प्लाज्मा झिल्ली की किसने की थी, तो स्वान ने की थी, कब की थी, 1838 ईस्वी में। ओके, एक प्रश्न और यहाँ पर पूछ लिया जाता है, जो कि अब पूछ लिया जाता है कि झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली का दूसरा नाम किसने दिया था और दूसरा नाम क्या है। तो प्लाज्मा झिल्ली का जो दूसरा नाम है वह है लेमा, क्या है इसका दूसरा नाम है लेमा। सेकंड जो नाम है प्लाज्मा झिल्ली का वह है पारगम झिल्ली या फिर प्लाज्मा लेमा कह सकते हैं। तो लेमा जो नाम दिया था वो प्लाव ने दिया था, वैज्ञानिक का क्या नाम था, इनका नाम था प्लाव, और प्लाव ने 1931 में इसे नामित किया था लेमा नाम से प्लाज्मा झिल्ली को। ओके, तो यहाँ पर पहले प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा नेगली। ओके, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा।
क्वेश्चन नंबर दो आपका है, पूछा गया है द लेटेस्ट मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, प्लाज्मा झिल्ली के लिए नवीनतम मॉडल है, प्लाज्मा झिल्ली के लिए जो नवीनतम मॉडल है वह क्या है। पहला ऑप्शन यहाँ पर है लेमर मॉडल, बी ऑप्शन है फ्लूइड मोजिंग मॉडल, सी ऑप्शन है यूनिट मेम्ब्रेन और डी दिया गया मॉलिक्यूलर लिपिड मॉडल। तो दोस्तों जो प्लाज्मा झिल्ली के लिए नवीनतम मॉडल है वह है द्रव मोजिक मॉडल, ठीक है, इसका क्या नाम है फ्लड मोजिंग मॉडल जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो द्रव मोजिंग मॉडल जिसे प्लाज्मा झिल्ली का नवीनतम मॉडल कहा जाता है दोस्तों सन 1972 में निकोलसन ने और सिंगर दो वैज्ञानिक थे, दो जूलॉजिस्ट थे। कब की बात हो रही है, ये बात हो रही है दोस्तों 1972 की। तो 1972 में क्या हुआ, दो जूलॉजिस्ट थे, एक का नाम था निकोलसन और दूसरे का क्या नाम था, दूसरे का नाम था सिंगर। इन्होंने क्या किया, इसके नाम को जो किस यानी प्लाज्मा झिल्ली के नाम को द्रव मोजिक मॉडल के रूप में प्रस्तावित किया था, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा फ्लड मोजिक मॉडल। लेकिन अगर पूछ ले कि फ्लड मोजिक मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था किसके द्वारा भाई, 1972 में निकोलसन और सिंगर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका तीसरा प्रश्न है RNA इज अब्सेंट इन, यानी कि RNA नहीं पाया जाता है। अब हम बात कर लें RNA की, तो RNA किस में नहीं पाया जाता है, तो दोस्तों RNA प्लाज्मा लेमा में नहीं पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता है, प्लाज्मा लेमा में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। प्लाज्मा लेमा को क्या कहा जाता है, इसको प्लाज्मा लेमा को ही प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जानते हैं। और प्लाज्मा लेमा कोशिका की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। प्लाज्मा लेमा पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लाज्मा लेमा कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे कि प्लाज्मा लेमा कोशिका की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। ये किससे मिलकर के बने होते हैं, तो ये प्रोटीन फास्फोलिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बने होते हैं, ओके। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। जितने भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं वीडियो को, सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैप्टर वाइज चैप्टर क्लास आपको यहाँ पर दी जाएगी, ऑल सब्जेक्ट की MCQs और रिटन पैटर्न दोनों की क्लास आपको यहाँ पर उपलब्ध होगी, ओके। तो चौथा प्रश्न है लिपिड मॉलिक्यूल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर अरेंज इन विच मैनर, यानी वसा के कण प्लाज्मा झिल्ली में किस तरह से लगे होते हैं। तो दोस्तों जो लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो व्यवस्थित होते हैं वो किस तरह से व्यवस्थित होते हैं, तो वो व्यवस्थित होते हैं हेड पैरेलल। कैसे व्यवस्थित होते हैं, सिर समांतर, हिंदी में इसे कहेंगे तो सिर समांतर कहेंगे और इंग्लिश में क्या हो जाएगा, हेड पैरेलल, ओके। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए पांचवा प्रश्न दिया गया है कि हु प्रपोज द फ्लड मोजिक मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि किसने फ्लड मोजिक मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन का संरचना प्रस्तावित किया था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर कोशिका झिल्ली के जो मोजिक मॉडल की संरचना जो प्रस्तुत किया था वो किसने किया था, अभी मैंने बताया था सेंगर और निकोलसन ने, ठीक है। एस जोनार्थर सिंगर, उसका पूरा जो नाम है वो है एस जोनार्थर सिंगर और गार्थ निकोलसन। कब किया था, 1972 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा कोशिका झिल्ली के जो मोजिक मॉडल है उसकी जो संरचना बताई थी वो सेंगर और निकोलसन ने बताई थी 1972 में। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंगर एंड निकोलसन, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर छः आपका है, छठवां प्रश्न है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एन एनिमल सेल इज कंप्लीटेड ऑफ, यानी कि जंतु कोशिका की जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है। तो जंतु कोशिका की दोस्तों जो
झिल्ली बनी होती है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? लिपिड तथा प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, फॉस्फोलिपिड प्रोटीन्स। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। नेक्स्ट प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 7। सातवां प्रश्न है सेंगर एंड निकोलसन मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफर फ्रॉम द रॉबर्टसन मॉडल इन, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली का जो सेंगर और निकोलसन मॉडल है वो रॉबर्ट मॉडल से कैसे भिन्न है, यानी कैसे अलग है। कैसे आप पता करेंगे कि जो प्लाज्मा झिल्ली का सेंगर और निकोलसन मॉडल है वो रॉबर्ट मॉडल जो दिया गया था उससे अलग कैसे है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ये नंबर आप लिपिड लेयर के आधार पर इसका हम निर्धारण करेंगे कि ये दोनों अलग अलग हैं, या अरेंज आप लिपिड लेयर के आधार पर, या फिर इसके आधार पर अरेंजमेंट्स आप प्रोटीन के या एब्सेंस आप प्रोटीन के। तो प्लाज्मा झिल्ली का जो सेंगर निकोलसन रॉबर्ट मॉडल है वो भिन्न जो होगा वो भिन्न किस प्रकार से होगा, यही यहाँ पर पूछा गया है। तो ये भिन्न होगा अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन के आधार पर। किसके आधार पर? अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्रोटीन परतों की व्यवस्था के आधार पर प्लाज्मा झिल्ली का जो सेंगर और निकोलसन मॉडल है और रॉबर्ट मॉडल, ये दोनों अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें पूछा गया है अकॉर्डिंग टू फ्लड मोजिंग मॉडल सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप टू, यानी कि तरल चित्र वरण मॉडल में, तरल चित्र वरण मॉडल में प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है ग्लूकोप्रोटीन से, फास्फोलिपिड से मिलकर के बनी होती है, या फिर ये फास्फोप्रोटीन से या दोहरी प्रोटीन की दोहरी परत के द्वारा या बनी होती है। तो दोस्तों कोशिका झिल्ली की अगर बात करें तो यानी कि द्रव मोजिंग मॉडल के अनुसार जो कोशिका झिल्ली में अर्धद्रव संरचना होती है जिसमें लिपिड और प्रोटीन मोजिक व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फॉस्फोलिपिड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, नौवा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है इन टेक ऑफ फ्लड बाई ए सेल इज नोन एज, यानी कि एक कोशिका द्वारा द्रव का सेवन क्या कहलाता है। ठीक है, एक कोशिका जो है, कोई भी कोशिका है, अगर उसके द्वारा द्रव का सेवन होता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या फैगोसाइटोसिस कहा जाता है, या फिर पिनोसाइटोसिस कहा जाता है, या फिर एग्जोसाइटोसिस कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा पिनोसाइटोसिस। क्या हो जाएगा? पिनोसाइटोसिस जो है ये कहा जाता है, ठीक है, द्रव द्वारा, अगर माफ़ कीजिएगा, एक कोशिका के द्वारा अगर द्रव का सेवन किया जाएगा तो उसे पिनोसाइटोसिस कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, द सेल मेम्ब्रेन इज, सेल मेम्ब्रेन इज कोशिका की झिल्ली है, जो कोशिका की झिल्ली है वो क्या है? इम्प्रेबल है, या परमेबल है, या सेलेक्टिवली परमेबल है, या सेमी परमेबल है। ठीक है, तो कोशिका की झिल्ली पूछी गई थी कि अभेद्य है, या प्रवेश के योग्य है, या चयन करके प्रवेश, या अर्ध पारगम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा सेलेक्टिवली परमेबल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, चयन करके प्रवेश आपका सही आंसर होगा, सेलेक्टिवली परमेबल। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में, कि इन विच मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन डज नॉट रिक्वायर कैरी मॉलिक्यूल। पहला ऑप्शन कह रहा है कि Na+, K+ पंप, ठीक है, यानी कि सोडियम प्लस और पोटेशियम पंप के द्वारा, या फिर ऑप्शन बी आपका है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या फिर सी ऑप्शन कह रहा है सिंपल डिफ्यूजन, या फिर फैकल्टेड डिफ्यूजन के द्वारा। तो झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली में परिवहन की किस विधि में वाहक अणुओं की आवश्यकता नहीं होती है? तो वाहक की जो आवश्यकता है दोस्तों वो कहाँ पर नहीं होती है? तो वो होती है सिंपल डिफ्यूजन में। किस में होती है? सरल विस्तार में आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके चलें, क्वेश्चन नंबर 12 है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, क्या दिया गया है
कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सक्रिय ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ऊर्जा रिलीज होती है, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हैं उसमें एनर्जी रिलीज होती है या फिर एनर्जी की आवश्यकता होती है या फिर एनर्जी प्रोड्यूस करती है या फिर प्रोड्यूस टॉक्स मटेरियल यानी विषैला पदार्थ निकलता है। तो जब भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है यानी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जब कोई भी ट्रांसपोर्ट एक्टिव होगा तो उसमें एनर्जी की ही रिक्वायरमेंट होगी। ओके, ऑप्शन 20 में आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, यानी कोशिका की जो झिल्ली होती है वो बनी होती है डबल प्रोटीन की डबल परत के द्वारा, फास्फोलिपिड प्रोटीन के द्वारा या फास्फोप्रोटीन या फिर ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली लिपिड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बनी होती है या दोस्तों यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फास्फोलिपिड प्रोटीन से मिलकर के सेल मेम्ब्रेन बना होता है। ठीक है, फास्फोलिपिड प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। ओके, ऑप्शन बी इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर प्रश्न है, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स आर, यानी कि बिना झिल्ली वाला कोशिकांग इनमें से कौन सा है। पहला दिया गया है राइबोसोम, ऑप्शन बी दिया गया है सेंट्रियोल, ऑप्शन सी है न्यूक्लियस और ऑप्शन डी दिया गया है न्यूक्लियड। ठीक है, तो इसमें से अब बात करते हैं बिना झिल्ली वाला कोशिकांग। तो बिना झिल्ली वाला जो कोशिकांग है दोस्तों वो है सेंट्रियोल और दूसरा है सेंट्रियोसोम, दोनों सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स ये दोनों जो हैं ये बिना झिल्ली वाले कोशिकांग हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर यहीं पर सेंट्रोसोम होता वह भी आपका राइट आंसर होगा और अगर सेंट्रियोल है तो वहां पर भी आप ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 नंबर प्रश्न है, मिलर थ्योरी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज गिवन बाय, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मिलर थ्योरी थी वो किसके द्वारा दी गई है। पहला ऑप्शन यहाँ पर है कि डेनली और डेविसन के द्वारा, ऑप्शन बी दिया गया है हीलर एंड होपमन के द्वारा, ऑप्शन सी है रॉबर्टसन और डी ऑप्शन दिया गया है गार्टर और ग्रैंडलर के द्वारा। तो मिलर थ्योरी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी, वो हीलर और होपमन के द्वारा दी गई थी। यानी कि यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर है। और जो ये माइक्रर का जो मॉडल है दोस्तों, ठीक है, मिलर थ्योरी जो दी गई थी वो कब दी गई थी, तो मिलर थ्योरी जो दी गई थी 1963 में दी गई थी हिलियर और हॉफमन के द्वारा। इस नोट कर लीजिए, सन भी पूछ लेता है, तो 1963 में हिलर और हॉफमन ने मिलर थ्योरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मिलर थ्योरी दी थी। ओके, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा गया है सेलुलोज इज ए पॉलीमर ऑफ, सेलुलोज एक पॉलीमर है। तो सेलुलोज एक किसका बहुलक पूछा गया है, सेलुलोज एक किसका बहुलक है। तो दोस्तों आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा डाइसैकेराइड और सेलोबायोस, यहाँ पर सही आंसर आपका है ए नंबर, ए वाला प्रश्न आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका पॉलीमर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें अभी बताया मैंने इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डाइसैकेराइड और सेलोबायोस हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न है, द टर्म ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वाज गिवन बाय, ग्लाइकोकैलिक्स दिया गया है, ग्लाइकोकैलिक्स शब्द का प्रयोग किया जाता है, द टर्म ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स वाज गिवन बाय। पहला ऑप्शन दिया गया है डेविड के द्वारा दिया गया था या रॉबर्टसन के द्वारा या फिर बीनेट के द्वारा या फिर डेविल के द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों जो ग्लाइकोकैलिक्स है शब्द है, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स शब्द एक प्रकार का एक घना जल होता है, ठीक है, जल जैसा होता है, जैसे कि जाल एक प्रकार की होती है, इस प्रकार का होता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स का शाब्दिक अर्थ होता है चीनी कोट, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, चीनी कोट होता है। और ये पॉलीसेकेराइड का एक प्रकार का नेटवर्क है जो बैक्टीरिया की कोशिका के एक सार्वभौमिक सतह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, बीनेट ने इसकी खोज की थी। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक शब्द का जो प्रयोग किया था वो बीनेट ने किया था, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 18 है जिसमें पूछा गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है, किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर प्रश्न है जिसमें दिया गया है कि लिपिड्स बाईलेयर इज प्रेजेंट इन, लिपिड बाईलेयर उपस्थित होता है, पहला है राइबोसोम में उपस्थित होता है या फिर क्रोमोसोम में या न्यूक्लियस में या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो लिपिड बाईलेयर जो होता है वो प्रेजेंट होता है कहाँ पर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20 है जिसमें पूछा गया है कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रपोज्ड बाय, दो प्लाज्मा झिल्ली की इकाई, प्लाज्मा झिल्ली का इकाई झिल्ली मॉडल, इकाई प्लाज्मा झिल्ली का इकाई झिल्ली मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, तो दोस्तों ये प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा, निकोलसन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकोलसन ने प्लाज्मा झिल्ली का इकाई झिल्ली मॉडल प्रस्तावित किया था, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है जिसमें पूछा गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए सेमी पेरेबलर टू एड मॉलिक्यूल एक्सेप्ट, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली को छोड़कर सभी अणुओं के लिए अर्धपारगम है, सभी अणुओं के लिए अर्धपारगम है, पहला है पोटेशियम आयन, दूसरा है एटीपी, सी दिया गया यूरिया और ऑप्शन डी है ग्लूकोज, तो इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, ग्लूकोज प्लाज्मा झिल्ली को छोड़कर सभी अणुओं के लिए जो अर्धपारगम है वह है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों जिसमें पूछा गया है द कवरिंग ऑफ मेम्ब्रेन इज वकुल्स आर कॉल्ड, यानी कि रिक्तिका की आवरण झिल्ली क्या कहलाती है, पहला ऑप्शन है टेनोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी है सेल वॉल, सी ऑप्शन कह रहा है कि प्लाज्मा लेयर और डी ऑप्शन कह रहा है कि नन ऑफ दीज, तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टोनोप्लास्ट आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है चल क्वेश्चन नंबर 23 है जिसमें पूछा गया था व्हाट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल पास थ्रू ए सेल मेम्ब्रेन मोस्ट इजली, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है जिसमें है ऑप्शन ए कह रहा है कि लार्ज एंड हाइड्रोफोबिक, ऑप्शन नंबर बा है यानी बी है जिसमें पूछा कह रहा है स्मॉल एंड हाइड्रोफोबिक, ऑप्शन सी है जिसमें लार्ज पोलर और डी कह रहा है कि आयनिक। ठीक है तो किस तरह के अणु कोशिका झिल्ली को आसानी से पार कर जाते हैं यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है तो दोस्तों इसमें जो बड़ा ध्रुवीय है यानी कि लार्ज पोलर है, ठीक है तो कोश अणु यानी कि कोशिका झिल्ली जो आसानी से पार कर जाती है वो बड़ा ध्रुवीय यानी कि लार्ज पोलर मॉलिक्यूल को पार कर जाती आसानी से, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें है विच ऑफ दीज आर अटैच टू द एक्स्ट्रा सर्कुलर मैट्रिक्स, ठीक है जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ऑप्शन बी है इंट्रेगल प्रोटीन, सी दिया गया है इंट्रेगिन और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों ग्लूकोप्रोटीन। ओके तो इसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा अतिरिक्त सेलुलर मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ है, तो सेलुलर मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ जो है वह है ग्लूकोप्रोटीन, कौन जुड़ा हुआ है ग्लूकोप्रोटीन जो है वो जुड़ा हुआ है किससे, सेलुलर मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में सही आंसर आपका होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें दिया गया है ग्लूकोकैलिक्स इज प्रेजेंट इन द, यानी कि ग्लूकोकैलिक्स पाया जाता है, पहला ऑप्शन है प्लांट सेल, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है
एनिमल सेल, सी है बोथ और डी दिया गया नन ऑफ दीज, यानी कि ग्लूकोकैलिक्स पाया जाता है। तो ग्लूकोकैलिक्स कहाँ पे पाया जाता है भाई? ग्लूकोकैलिक्स जो पाया जाता है वो जंतु कोशिका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही आंसर हो जाएगा एनिमल सेल। ओके, तो आज के इस क्लास में 25 ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्नों की चर्चा हमने कर दी है। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम लगभग 50 प्रश्न की चर्चा करेंगे आपके चैप्टर नंबर 1 से, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ओके, इसी प्रकार से चैप्टर वाइज चैप्टर बताने के बाद में, यानी कि 8 यूनिट है, यानी टोटल 8 चैप्टर हैं, इनके MCQs कराने के बाद में आपको लगभग 2 से 3 मॉडल पेपर सॉल्व करा दिया जाएगा 100 क्वेश्चन का, ठीक है। और यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। दोस्तों, सभी लोग से निवेदन मेरा यह है कि ज़ोरदार तरीके से सभी लोग, सभी फ्रेंड के पास, अपने जितने भी मित्र हैं उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और स्टेटस पर जरूर डालिएगा। ओके, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग अगर SPA स्टडी पॉइंट का अगर अभी तक ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पर आपको फ्री में टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, ठीक है। इस बार टेस्ट सीरीज़ भी लागू कर दी गई है, 100 क्वेश्चन का प्रत्येक विषय के टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको स्कोर भी पता चलेगा कि आपने कितना सही क्वेश्चन किया है, कितना गलत किया है, और इसके आपको सारांश भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जिनको पेड कोर्स लेना है वो वहाँ पर उपलब्ध हैं, तो प्ले स्टोर से SPA स्टडी पॉइंट का ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो आज की ये क्लास कैसी रही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।